इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लौंगिक और अलौंगिक में अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और अलौंगिक जनन में केवल एक ही जनक जो है भाग लेते हैं। लौंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। अगुणित युग्मक को मिलन से द्विगुणित युग्मनज नहीं बनता है और युग्मनज इसमें बनता है। युग्मनज से नए जीव का विकास होता है और पृथक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। केवल बीज वाले पौधों में ही लौंगिक जनन हो सकता है और इसमें जो है बिना बीज वाले पौधे में भी यह संभव है। जनन में अधिक समय लगता है और इसमें जो है आपको कम या तेजी से भी हो सकता है। लैंगिक में आपका संतति जीवों में माता और पिता दोनों जीवों के लक्षण पाए जाते हैं और अलौंगिक में जो है माता का प्रभाव रहता है।